हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें वो ड्राइवर नहीं चाहिए इंजन का, जो इंजन छोड़ करके ड्राइवर भाग गया हो। हमने अपने बीच का नेता चाहिए, हमें अपने बीच का नेता। ये लोग जो दूर दूर से घोसी में चल करके आए हैं, उनकी भाषा आपने सुनी होगी विरोधियों की। विरोधी न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। जो विरोधियों की भाषा बदली है वो इसीलिए बदली है कि यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान सब जाति धर्म तोड़ करके साइकिल के साथ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोग गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, और जो सुविधाएं गरीबों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को छीनने का काम कर रहे हैं। क्या घोसी की विधानसभा इतिहास बनाने जा रही कि नहीं जा रही, बताओ आप। ऐसा चुनाव शायद ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाति धर्म से लेकर के सब सीमाएं टूट गईं। अगर जाति धर्म की सीमाएं टूटी हैं तो दलों के भी सब बंधन टूट गए। जो दल कभी हमलों के खिलाफ थे, आज सब दल समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। हम उन दलों को बधाई देते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के समाजवादियों का साथ दे रहे हैं। कि ये महत्वपूर्ण लड़ाई है, कोई छोटी बड़ी लड़ाई नहीं है, ये बड़ा फैसला होगा आपका। और ये ऐसा फैसला है जो देश की राजनीति में भी बदलाव लाएगा। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, बल्कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, जो सपना देखा था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो सपना देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, और जो संघर्ष का रास्ता दिखाया नेताजी ने, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव लाना चाहते हैं।